हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपके पबजी मोबाइल का, आपको जो न्यू प्रीमियम क्रिएट है वो आपको कब देखने को मिलने वाला है। तो एंड तक वीडियो में बने रहना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो अगला जो नेक्स्ट प्रीमियम क्रिएट आने वाला है तो आपको उसमें मैथिक कौन से आउटफिट देखने को मिलने वाली है, और जो लेजेंडरी आउटफिट्स और जो बैकपैक की स्किन और एक प्लेन की भी स्किन आपको देखने को मिलने वाली है तो भी मैं दिखाऊंगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहना, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना क्योंकि मैं आपको कार्नेंटेड की अपग्रेडेबल स्किन भी मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। और लिक्स निकल के आ चुकी है सब स्किन की, और जो बाइक की स्किन है, व्हीकल की स्किन है, उसकी सारी लिक्स आ चुकी है। और आप देख ही सकते हो ये मैथिक आउटफिट होने वाली है जो आपको प्रीमियम क्रिएट में देखने को मिलने वाली है। आप देख ही सकते हो इसके साथ एक इमोट भी आने वाला है, और देख ही सकते हो ये प्लेन की भी स्किन है, बैक भी स्किन है और आउटफिट भी है। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है सिर्फ इसका बैग सच्ची में, और एक वाइट आउटफिट है वो मेरे को बहुत पसंद आया। मैथिक भी उतना कुछ खास नहीं है, बट अगर मिल जाए तो अच्छा है। ऐसे तो पबजी नहीं देगा, मुझे पता है प्रीमियम ग्रेड में आज तक मुझे मैथिक नहीं मिला। कि आपको मिला है तो भाई कमेंट्स में लिख देना कि आपको मिल चुका है, यस करके लिख देना तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको मिल चुका है। और बहुत ही ओपी ड्रेस है ये मैथिक, और उसके बाद ये प्लेन की स्किन, तो प्लेन की स्किन भी बहुत ही ओपी है, बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बैक का स्किन चाहिए। तो बैक का स्किन बहुत ही ओपी है क्योंकि पर्पल है, और जो आउटफिट है ज़्यादातर पर्पल सेट बहुत सारे, और जो वाइट सूट है वो भी बहुत ही ओपी दिख रहा है। तो आप देख ही सकते हो क्या ही ओपी है ड्रेस, और क्या ही ओपी है बैकपैक है, और जो वाइट आउटफिट है वो भी बहुत ही ओपी है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कुछ नहीं। तो आपको इसमें भी आपको लक मिलने वाला है क्योंकि आपको 10 क्रेट खोलने के बाद आपको एक लेजेंडरी तो मिलने वाला है, वो तो गारंटी है। और देख ही सकते हो ये वाइट आउटफिट, तो वाइट आउटफिट भी बहुत ही ओपी दिख रहा है। तो इसका नाम डाउन हंटर सेट है, तो ये भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो देख ही सकते हो आप, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये भी सेट। तो उसका ओपी का हेड गियर है वो भी अच्छा दिख रहा है, और ये जो बोट्स जो हमको मारने आते हैं वो पहने लेते, तो ये तो आउटफिट मुझे भी नहीं चाहिए। ये अपन ये पबजी वाला ये पकड़ा देगा देखना आपको, और मेरे को भी पकड़ाएगा क्योंकि पबजी को मालूम है। और ये ओम की स्किन बहुत ही ओपी है, और उसके साथ ये पेन की स्किन, तो ये भी बहुत ही मैचिंग कर रहा है। तो और उसके बाद ये पैराशूट की स्किन, तो मुझे पैराशूट की स्किन नहीं चाहिए। अगर ओम की मिल गई तो ठीक है, और अगर पेन की स्किन मिल गई तो भी ठीक है, कुछ बात नहीं। तो आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मुझे कॉमेंट्स में लिख के बता देना। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये आने वाला है जो आपको क्लासिक क्रिएट में देखने को मिलने वाला है ये सारे सेट। और ई के एम की स्किन भी आने वाली है, और हेलमेट की भी स्किन आने वाली है न्यू, तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और क्लासिक क्रिएट में शायद से आपको एक बगे की भी स्किन देखने को मिलने वाली है जो ग्रीन कलर की है, तो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बट मुझे लगता है वो लकी स्किन में आएगी क्योंकि बहुत ही ओपी स्किन है वो, तो अगर क्लासिक में आएगी तो दिखा दूंगा। बट ये देखो ये क्लासिक में आ सकती है, क्लासिक क्रिएट में तो देख ही सकते हो बहुत ही ओपी है ये भी। और उसके बाद ये पैराशूट, तो ये भी क्लासिक रेट में आ ही सकता है। और उसके बाद एकेएम की स्किन तो आएगी, और ये हेलमेट की स्किन, ये भी बहुत ही ओपी है। बट पीछे भी कुछ डिज़ाइन करना चाहिए था, सिर्फ आगे ही डिज़ाइन करके रखा है। तो देख ही सकते हो आप क्या ही ओपी दिख रहा है ये भी। और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ बग्गी की स्किन, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए थोड़ा नीचे आते हैं, और ये थर्ड लेवल का हेलमेट है जो स्किन है वो बहुत ही ओपी दिख रहा है, और ये सेकेंड और ये फर्स्ट, तो आप देख ही सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपको एक आउटफिट देखने को मिलने वाली है जो क्लासिक रेट में आने वाली है, तो भाई देख ही सकते हो क्या ही आउटफिट है ये, बहुत ही जहरा आउटफिट है। ये मैथिक होनी चाहिए थी क्योंकि मुझे इसका हेड गियर बहुत पसंद है, पूरा बाइक रेसिंग वाला फील आ रहा था। और ये देखो स्मोक की स्किन, तो ये क्लासिक रेट में आने वाला है, तो मुझे पता नहीं लकी स्किन में भी आ सकता है। तो उसके बाद ये बाइक का स्किन तो आ ही चुका है अभी, आपको पता ही है लकी स्किन में। और जो ये बग्गी की स्किन है, बग्गी की स्किन मुझे बहुत ही पसंद है, आपको दिख ही रही होगी ग्रीन कलर की। तो चलिए फटाफट मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ बग्गी की स्किन, इससे शायद से नहीं दिखाऊंगा, ताकि आपको फटाफट आउटफिट दिखा देता हूँ। तो ये आउटफिट भी आ चुकी है लकी स्किन में, आपको पता ही होगा। और ये ग्रेनेड की स्किन भी आ चुकी है पहले, और ये वॉइसिस है कुछ, और मुझे इसमें स्मोक की स्किन बहुत अच्छी लगी, और स्मोक का स्किन का कुछ यूज़ नहीं है। तो देख ही सकते हो गोल्डिश टाइप है, गोल्डन कलर की, तो ये भी बहुत ही ओपी। और ये पैराशूट जो शायद से आ चुका है अभी, तो ये कुछ क्रिएट्स में आता है वो जो खोलने का आता है ना, सप्लाई क्रिएट्स में आए थे। और ये देख सकते हो आप ये कार्नेटेड की अपग्रेडेबल स्किन, तो आपको ये देखने को मिलने वाली है, और आप जिसको पास पैसा होगा भाई वो अपग्रेड कर देगा। और देख ही सकते हो इसमें पबजी वालों ने भी कमाने का मौका नहीं छोड़ा है क्योंकि इसमें ऑर्नामेंट भी है, तो उसके लिए खाली फोकट का जो अपना मटेरियल यूज़ होएगा
तो जिसको भी अल्टीमेट करना होगा उसको एक दो मटेरियल और लग जाएगा। और आप देख सकते हो किल मैसेज, किल इफेक्ट, और ये किल मैसेज भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरा गोल्डन टाइप का है, तो इसका भी लकी स्पिन आने वाला है। तो आप देख सकते हो किल मैसेज बहुत ही ओपी है, तो बहुत ही ओपी। मुझे सिर्फ किल मैसेज लगा तब तक कोई मुझे लगता है किल मैसेज तक ही कोई अपग्रेड करेगा। अल्टीमेट पे जो बहुत पैसा वाला होगा वो ये करेगा, जिसके पास बहुत ही उसे वो कर सकता है। और आप देख सकते हो ऑर्नामेंट, तो ये कुछ ही काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। बट चलिए ठीक है, अभी पबजी वाले ने दिया तो देख लेते हैं। तो उसके बाद अल्टीमेट में ये पूरा गोल्डन टाइप का हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हो क्या ही ऑर्नामेंट और क्या ही ये मैच कर रहा है, पूरा गोल्डन हो चुका है। और लूट क्रिएट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में लाते रहता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।